नमस्ते दोस्तों, खंदेश गोट फार्म में हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत से बार जब बकरी पालन की बात होती है, बकरी पालन के लिए लोग जाते हैं, तब ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आता है या पूछा जाता है कि किस तरह का बकरा अगर हम बकरियों के साथ रखें तो हमारी जो बकरियां हैं वो ज़्यादा बच्चे दें, दो बच्चे, तीन बच्चे एक बार में अगर जन्मे तो कौन सा बकरा उनके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सी जो किताबें हैं उन किताबों के अंदर ऐसा लिखा गया है कि जो बकरा जन्म से ही जुड़वा है या तीन बच्चों के साथ जन्म ले रहा है या उससे ज़्यादा बच्चों के साथ अगर जन्म ले रहा है, दो भाई बहन है, तीन भाई बहन है, इनके साथ में जो बच्चा जन्म ले रहा है, ये बकरा आप अगर आपके बकरियों के साथ संभालो, इनमें से बकरा जो ज़्यादा बच्चों के साथ जन्म ले चुका है, तो वो बकरा आपके बकरियों के साथ आप रखो तो आपकी बकरियाँ ज़्यादा बच्चे देती है। बहुत सी किताबें यही लिखती है, बहुत सी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाती है खुद को, ऐसी जो संस्थाएं हैं वो भी किसानों को इसी तरह से बताती है, सुझाव देती है कि ऐसा बकरा संभालिए जो जुड़वा या तीन बच्चों के साथ उसने जन्म लिया हुआ है। पर सच बात तो ये है कि अगर कोई भी बकरी बच्चा देती है तो वो उसी के ऊपर निर्भर है, बकरी के ऊपर, ना कि जिस बकरे के साथ उसने मेटिंग की है उसके ऊपर इस बात का कोई निर्बंध है कि कितने बच्चे होंगे। बच्चे जो होंगे बकरी को, ये टोटली बकरी के ऊपर निर्भर है। साइंटिफिकली अगर देखते हैं हम जेनेटिक्स और साइंस, जब भी बकरी गाभिन रहने के लिए तैयार होती है, ईट पे होती है, तब वो उसके बच्चादानी में जो कि एग या जिसको अंडा बोलते हैं वो तैयार करती है, और बकरे के जो स्पर्म्स है जिसको शुक्राणु बोलते हैं, ये अंडे के साथ मिलन होके, फलन होके बच्चा बनता है। अभी ये टोटली निर्बंध है कि कितने अंडे बकरी के बच्चादानी में अभी तैयार हुए हैं। जितने अंडे ज्यादा तैयार होंगे उतने बच्चे ज्यादा होंगे, इसमें बकरे का कोई रोल नहीं, बकरे का जो स्पर्म्स है उसका नंबर कितना है इसका कोई रिलेशन नहीं है बच्चे कितने होते उसके अंदर। हाँ, अगर आप अच्छी नस्ल का या नस्ल के हिसाब से बेहतरीन बकरा संभालें तो जेनेटिक्स और साइंस के हिसाब से वो एक अच्छी नस्ल के और उम्दा बच्चे बच्चों को जन्म देगा, पर कितने बच्चे जन्म देना है वो टोटली निर्भर है बकरी के ऊपर। इसलिए कि भाई ये बकरा दो में से है, तीन में से, ऐसा करके कुछ किसान लोग दूसरे नए किसानों को ऐसा बकरा थमा देते हैं दो पैसा ज़्यादा लेके, और उनको जहाँ पे देखो तो चीटिंग हो जाती है उनके साथ में। तो ये सब बातों को अगर ध्यान में रख के अपन देखो कि जो भी बकरा आपको संभालना है वो उस नस्ल का बहुत ही अच्छा बकरा होने को ना, वो कौन सा मतलब जुड़वा है या तीन में से, इसका कोई रोल नहीं। और सबसे जरूरी बात तो अपन ने लास्ट वीडियो में जो देखा है कि जो भी छोटी नस्लें हैं इनमें बच्चे ज्यादा होते हैं, और जो बड़ी नस्लें हैं इनमें बच्चे कम होते हैं। फिर आप अगर शिरोई के साथ में ज़्यादा बच्चे होने वाली शिरोई की मादा संभाली और उसके साथ में अगर उस्मानाबादी का बकरा रख दिया तो क्या शिरोई को ज़्यादा बच्चे होंगे? कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिपेंड है शिरोई के ऊपर कि बच्चों को कितना जन्म देना है, माँ के ऊपर डिपेंड है बकरी में। इसीलिए ये बात समझ लीजिए, और कौन सा बकरा रखे फिर बच्चे ज़्यादा होंगे इस सवाल को कोई मतलब ही नहीं है।
आप कोई भी बकरा संभाल सकते हैं, सिर्फ वो उसके नस्ल के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से अच्छा रहे, यानी वो अच्छे बच्चे पैदा करें। धन्यवाद।